कि बातिल के सामने जो झुकाए ना अपना सर, बातिल के सामने जो झुकाए ना अपना सर, समझो कि उसके ज़ेहन का मालिक है हुसैन। अब आप सब अपने आप को अपने अंदर झांक के दे लें कि कौन कौन बातिल के सामने झुकता है और कौन कौन बातिल के साथ कंप्रोमाइज़ करके मुनाफ़कत इख्तियार करके इस मुआशरे सोसाइटी में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। एक तरफ वो नमाजें भी पढ़ता है, एक तरफ वो तबरीहें भी करता है और दूसरी तरफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम भी लेता है, लेकिन उसी के साथ वो मुनाफ़कत इख्तियार करके उन लोगों के आगे झुकता भी है जो ज़ालिम हैं, जो दरिंदे हैं, जो करप्शन करते हैं, बेईमानी करते हैं, हर तरह की बुराई उनके अंदर है। तो आपको वाज़ेह करना होगा, अगर आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो निस्बत और उनकी मोहब्बत का दम भरते हैं तो अमली तौर पर किरदार अदा करना होगा। आज फिर इस माशरे को उसी चीज़ की ज़रूरत है, जिस तरह इज्जतें लुट रही हैं, जिस तरह बेईमानी हो रही है, जिस तरह करप्शन हो रही है, जिस तरह बुराई गालिब आ गई है माशरे पर, आज फिर माशरे को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रूह पुकार रही है। दोबारा से हमें करबला लौटना होगा, दोबारा से हमें करबला की वो याद ताज़ा करनी होगी, तभी जाके हमारा माशरा